टुडे वी विल कंप्लीट 15 डेज ऑफ ब्रह्मचर्य चैलेंज। आप सब जब से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, आपके अंदर बदलाव जरूर आया होगा। शायद आप पहले से ज़्यादा मेहनत कर पा रहे होगे और आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ गया होगा। अगर आपको ब्रह्मचर्य के फायदे मिल रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, कोई भी आपको बदल नहीं सकता। आज के समय में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इंसान के अंदर लालच आता है तब वह गलत रास्ता पकड़ लेता है। तो आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए आवाज़ बदल रहा होगा। तो आप वीडियो में बताई गई बातों पर ध्यान दीजिएगा। पैसा नहीं कमाओगे तो जीवन कैसे चलेगा, इसलिए इतना तो कमा ही लो जितना ज़रूरत हो। अब बात करते हैं जो अमीर लोग होते हैं उनके बारे में। जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो नोफा फॉलो करते हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा, जो सबसे टॉप पर बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स। ये यूं ही अमीर नहीं बन गए, इन्होंने अपने एनर्जी को यूज किया है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड दे नेवर वेस्ट देयर एनर्जी। ये लोग 15-16 घंटा दिन में काम करते हैं, और जो इंसान 15-16 घंटा काम करता है उसका दिमाग इधर उधर नहीं भटकता है। ये अपने काम में इतना लीन रहते हैं, इनके पास समय ही नहीं होता फालतू के लोगों के साथ समय बर्बाद करें। इन अमीर लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप इनकी अच्छाइयों को अपनाओ। सबके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, आप बुराइयों को एक्सेप्ट मत करो। आप भी मेहनत करो, अपने काम में लीन हो जाओ, दुनिया की परवाह मत करो, अपने शरीर के फ्यूल को यूज करो और आगे बढ़ो। और फॉलो ब्रह्मचर्य और चूहों की रेस में मत भागो। आजकल के सभी लोग चूहों की रेस में भाग रहे हैं, रैट रेस में भाग रहे हैं। आप उन गलत रास्तों पे मत जाओ, आप कुछ और करो, आप ब्रह्मचर्य करो। जो सब लोग कर रहे हैं वो काम आप मत करो, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट ब्रह्मचर्य फॉलो करते थे, उनको ये पता था दिस एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल, दे नेवर वेस्ट दिस एनर्जी। यही कारण है वो इतने बड़े बड़े आविष्कार कर पाए, और उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था। आप सबको पता होगा, अगर आपने निकोला टेस्ला के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा। मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक बार निकोला टेस्ला के बारे में ज़रूर पढ़ें। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आई एम एडी मैन, आई एम ऑन मिशन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।